रोटरी रोट्रैक्ट व इनर व्हील क्लब के आयोजित करेगा 10 किलोमीटर मैराथन। प्रतिभागी कर रहे हैं जोरों से अभ्यास। लाडवा की रोटरी रोट्रैक्ट व इनर व्हील क्लब की तरफ से 10 किलोमीटर मैराथन का आयोजन किया जाएगा। रोटरी क्लब के सचिव विकास सिंघल ने बताया कि क्लब की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के अवसर पर 19 सितंबर को 10 किलोमीटर मैराथन का आयोजन किया जाएगा, जो इंदिरा गांधी नेशनल कॉलेज के स्टेडियम से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए वहीं समाप्त होगा, जहां इसका पुरस्कार वितरण किया जाएगा और पूरे मार्ग में इंदिरा गांधी कॉलेज के एनसीसी एनएसएस व स्पोर्ट्स की टीम वॉलंटियर के तौर पर उपस्थित रहेगी। क्षेत्र के प्रतिभागी जोरों शोरों से इस मैराथन में दौड़ने के लिए अभ्यास कर रहे हैं। अभ्यास करने वालों में 3 साल की बच्ची विहाना, 6 साल की बच्ची भाविक, 71 साल के बुजुर्ग रामभूषण शर्मा व मुंबई में डेली शॉप में अपनी पहचान बना चुके लाडवा के स्टार सागर शर्मा शामिल हैं। वहीं रोटरी क्लब के पूर्व प्रधान अमित सिंगल ने कहा कि इस मैराथन का उद्देश्य युवाओं में नशे की लत को खत्म कर खेलों व शारीरिक शिक्षा के प्रति रुचि पैदा करने के साथ साथ पूरे विश्व में शांति स्थापित करने की जागरूकता फैलाना है। मैराथन के प्रोजेक्ट चेयरमैन अशोक गुप्ता व अंकुर गुप्ता ने बताया कि मैराथन के लिए पंजीकरण ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरीकों से रखा गया है, जिससे न केवल कुरुक्षेत्र जिला या हरियाणा राज्य से बल्कि पूरे देश से पंजीकरण प्राप्त हो रहे हैं, जिसमें अभी तक सबसे छोटी प्रतिभागी 3 साल की लड़की है व सबसे बड़े प्रतिभागी 71 साल के बुजुर्ग हैं और यह मैराथन दौड़ कंप्यूटराइज बिब सहित पूरे तकनीकी तरीके से होगी। हाँ बेटे, आपका नाम क्या है? उम्र कितनी है अपनी? बेटे आज आप कॉलेज के ग्राउंड में क्यों दौड़ रहे हो? मैराथन में प्रैक्टिस करने। अगले संडे को जो मैराथन हो रही है उसमें दौड़ोगे आप? हाँ। और जीतोगे भी? जीतोगे। रोटरी रोट्रैक्ट और इनर व्हील क्लब द्वारा 19 सितंबर को मैराथन करवाई जा रही है, तो उसमें अन्य प्रतिभागियों के साथ हमारे लाडवा से ही सागर शर्मा, जो कि मुंबई में बॉलीवुड जगत में आजकल अपनी पहचान बना रहे हैं, बहुत सारे धारावाहिकों में और मूवीज में काम कर रहे हैं, वो भी इस दौड़ के लिए यहाँ आए हैं। मैं सबसे पहले सागर का स्वागत करता हूँ और सागर से पूछूंगा कि अभी तक कौन कौन से नाटकों में, धारावाहिकों में, मूवीज में आपने काम किया है। सर, मेरा पहला शो था कलर्स चैनल के लिए, सावित्री देवी कॉलेज एंड हॉस्पिटल। उसके बाद करते करते 7-8 डेली शो किए हैं मैंने। एक मूवी की है एसपी चौहान स्टारिंग जिम्मी शेर की, और कुछ एड्स किए हैं, कुछ आ चुके हैं और कुछ अभी आने वाले। सागर, बहुत हमारे लिए गर्व का विषय है कि आप लाडवा जैसे छोटे से क्षेत्र से निकलकर और मुंबई में अपनी पहचान बना रहे हैं। उसके बाद हमारे लिए गर्व का विषय है कि आप स्पेशल इस मैराथन के लिए यहाँ लाडवा पहुंचे हैं। इसके आप पीछे आपकी क्या सोच है, क्या आपका उद्देश्य है, वो हम सब जानना चाहेंगे प्लीज। सर, एक्चुअली मुझे मेरे फादर से पता लगा था इस मैराथन के बारे में। मैं मुंबई में ही था तो मुझे बताया गया कि ऐसे हमारे होम टाउन में एक 10 किलोमीटर की मैराथन हो रही है, जो थोड़ा सा मुझे अलग आइडिया लगा, क्योंकि मैं जहाँ तक जानता हूँ कि हम जैसे छोटे होम टाउन से तो हमें उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती एक्सप्लोर करने की, लेकिन जब आपको सुनाई देता है, पता लगता है कि आपके होम टाउन में नई चीज़ें हो रही हैं, एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है, तो मुझे घर आना ही था। मैंने सोचा चलिए इस बहाने मैराथन ही सही, कुछ नया करेंगे। और सर, मैं आप लोगों को थैंक यू करना चाहता हूँ कि इसी बहाने मेरी एज के बड़े छोटे सभी को मौका मिल रहा है कुछ नया करने का, क्योंकि हम सबको सर कुछ नया करने के लिए स्टेज चाहिए, आप दे रहे हैं तो थैंक यू। विकास जी, मुख्य अतिथि के साथ साथ इस मैराथन के स्पॉन्सर कौन कौन है? हमारे इस मैराथन में इंदिरा गांधी नेशनल कॉलेज को पार्टनर है, और इसमें हमारी स्पॉन्सरशिप हमारा रोट्रैक्टर लक्ष्य गुप्ता, उसने पेरिस ब्यूटी के नाम से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, वो हमारे साथ को स्पॉन्सर। हाँ जी वंश जी, जो रोटरी क्लब द्वारा 19 सितंबर को मैराथन हो रही है उसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर? सर देखिए, जो 19 तारीख को रोटरी क्लब द्वारा हमारे शहर में इतना बड़ा कराया गया है, रेस करवाई गई है, मैराथन कराई गई है, उसमें मैं भी पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, और ये जो मेरी बेटी है 2 साल 10 महीने की, ये भी उसमें पार्टिसिपेट कर रही है। आपने अपनी बेटी को क्या सोच के इस मैराथन में दौड़ाने के बारे में सोचा है? सर, मैंने तो यही सोचा है कि अभी जैसे 2.5 साल की है ऑलमोस्ट, और जब ये कल बड़ी होगी तो ये भी मतलब इसको भी थोड़ा इंस्पिरेशन मिलेगा, और यहाँ जो और बच्चे हैं इसके साथ के या इससे बड़े, उनको भी थोड़ा इंस्पायर मिलेगा कि ये 2.5 साल की दौड़ रही है तो हम भी दौड़ें। हाँ बेटे, आपका नाम क्या है? कितनी उम्र है आपकी? अब जो मैराथन होने वाली है नेक्स्ट संडे को, उसके लिए कितना चाव है आपके अंदर? लाडवा से प्रदीप कुमार की रिपोर्ट।